क्या तुम्हें पता है कि सेक्स स्लेव्स क्या होते हैं? सेक्स स्लेव्स? लेकिन स्लिपरी गर्ल्स 2 में सेक्स स्लेव्स ये काम प्यार के लिए ही करती हैं, तो ये ठीक और सेफ है। ठीक है, सेफ है। प्रिंसिपल क्रोटा को ह्यूमिलेशन क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है और फिर क्लब में लड़कियां बन जाएगी। मैं शिजुकुतान जैसी बनकर ही रहूंगी गोजाकुन। तो मेरी बात सुन रहे हो ना? आखिरकार तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? मैं कर भी क्या सकती हूँ शो, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम कपड़े बना सकते हो? हाँ। सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अभी अभी ये सिले हैं, मेरे लिए आसान है। क्या तुम उस तरफ देखोगे प्लीज? थोड़ा अलग है पर अपनी आंखें बंद करो। देखो थोड़ा आराम से। ओए, तुम हमें और कितने इंतजार करवाने वाले हो? ये क्या हो रहा है? ये कर क्या रही है? ये कपड़े क्यों उतार रही है? मुझे सरसराहट की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? कैसी आवाज है ये? गजकुन? हाँ? बोलो क्या काम है मुझसे? जरा मरकर मेरी तरफ देखो। लेकिन क्या हुआ? देखो ना। गर्ल्स 2 के बारे में कभी नहीं सुना। सच कह रहे हो? अच्छा चलो मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ। स्लिपरी गर्ल्स 2 पिछले साल आया था और ये बहुत ही पॉपुलर एडल्ट गेम है। एडल्ट? उसकी एक एनिमी भी आने वाली है, मैं उसकी बहुत दीवानी हूँ। पता है इसमें प्रोटाग अकेडमी के प्रिंसिपल का ग्रैंडसन है और कुछ वजहों से वो लड़कियों के स्कूल में जाता है। वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल आम सी कहानी है। एक लड़के का लड़कियों के स्कूल में एडमिशन लेना बहुत आम बात है। इसमें बहुत सी इमोशनल इंगेजमेंट है। अब ये समर वेकेशन जैसा लग रहा है। हाँ सही कहा। गेम है ना? हाँ अडल्ट गेम है लेकिन कमाल की है। तो उस गेम को बच्चे कैसे देख लेते हैं? अरे इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? पर मुझे तो ये लगता था कि लड़कियां ऐसा गेम खेलना पसंद नहीं करती होंगी। हमें तो सच में बहुत पसंद है, जैसे सबको पसंद है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज पसंद है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हो या लड़की।